न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए शासन ने वाटर पार्क और स्विमिंग पूल से प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संबंध में आदेश कर कहा है कि शादी विवाह समारोह में भी बंद और खुले स्थानों पर पूरी क्षमता के साथ और मास्क की अनिवार्यता के साथ आप शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, शादी समारोह कर सकते हैं। तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुके हैं, यानी कि वाटर पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, वहां से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की भी अनुमति सरकार ने दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शादी विवाह समारोह भी बंद और खुले स्थानों पर पूरी क्षमता के साथ किए जा सकेंगे, लेकिन मास्क की अनिवार्यता रहेगी। यानी कि आप अपनी खुशियों को और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कोरोना काल में आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शादी विवाह समारोह में चाहे वो खुले स्थान पर हो चाहे वो बंद स्थान पर हो, एक जो संख्या थी वो तय थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप पूरी क्षमता के साथ, मास्क की अनिवार्यता के साथ शादी विवाह समारोह को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाटर पार्क जा सकते हैं, स्विमिंग पूल जा सकते हैं, पूरे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन मास्क की जो अनिवार्यता है वो पूरी तरह से रहेगी। यानी कि मास्क आपको लगाना ही लगाना है। उत्तर प्रदेश में इस बार भगवा गुलाल की होली खेली जाएगी। होली को लेकर लखनऊ में दुकानों पर लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। वहीं ज्यादातर दुकानों पर भगवा रंग भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को देखते हुए ज्यादातर दुकानों में भगवा और गुलाबी रंग की भरमार है। रंगों का त्यौहार होली पर लखनऊ में चार दिन पहले से ही दुकानें सज चुकी हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल है, हरा है, बैंगनी है, गुलाबी है, पीला है, किस तरीके से कई सारे रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हम जानेंगे, कुछ विजेता हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि होली पर क्या माहौल है और किस तरीके से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाम गिरिजा शंकर। किस तरीके से आप त्यौहार मना रहे हैं? जैसे होली है, जैसे हरा है, ग्रीन है, फगुआ है, लाल है, फिरोजी है, धानी है, इस तरीके के कई सारे कलर हैं। बहुत सारी भीड़ें लगी हुई है, दुकानें सजी हुई हैं, लोग केक रहे दे रहे हैं, बिचारी भी है, गुलाल भी है, यही सारी चीज़ें जो है वो होली के साथ में जुड़ी हुई है और लोग बेचते हैं। लखनऊ में क्या माहौल है? लखनऊ में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। और किस तरीके से आप होली को मनाना चाहेंगे? होली के भगवा कलर हम लोग खेल रहे हैं, भगवा है, लाल है, हम लोग खेल रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है, यही सभी चीज़। किस तरीके से आप अपना त्यौहार मनाते हैं? जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। सबसे ज्यादा किस कलर की डिमांड है? मार्केट में तो लोग भगवा कलर ही ज्यादा खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा कलर किस कलर की डिमांड है? जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपना होली का त्यौहार मना रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से अपील है कि वो अपना त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाए, कोविड का पालन करते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को। अयोध्या में 6 साल की मासूम के साथ दर्दगी के मामले में नया मोड़ आ गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अयोध्या में स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बैरागपुर में बुधवार रात करीब 9:30 बजे 6 साल के मासूम के खून से लथपथ मिलने पर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची कल शाम में अन्य बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही थी, तभी आरोपी ने मासूम को दबोच लिया और अपने साथ ले गया और बच्चे के साथ दरिंदगी की। Thank you.
उत्तर प्रदेश में होली के रंग अभी से देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ रंगों में लोग सराबोर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने होली पर्व पर लोगों से बातचीत की, इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। होली का त्यौहार आ चुका, आज होलिका दहन का अवसर है और हम समय खड़े हैं लखनऊ के चौक सराफा में, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे, हम अपने सहयोगी दिखाएंगे, देख सकते हैं किस तरह से यहां पे होली का दहन के दिन आज होली मनाई जा रही है। और समझ चौक सराफा व्यापारी एसोसिएशन के साथ साथ लखनऊ चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ने मिलकर व्यापारियों के साथ होली मनाई। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमसे बात करेंगे और किस तरह से आज होली मनाई। देखिए, ये बाजार में 110 साल पुरानी परंपरागत हम लोग होली मना रहे हैं। इससे पहले हमने अपने पूर्वजों के समय में देखा है, बाजार बंदी से पूर्व आज के दिन छोटी होली के दिन यहाँ पे बाजार में सब व्यापारी मिलके रंग खेलते हैं। इसमें सराफा व्यवसाय के साथ साथ चिकन व्यवसायियों एवं अन्य व्यवसाय जो करते हैं उनका सहयोग रहता है और सब मिलके सौहार्दपूर्ण वातावरण में परंपरागत होली का पालन। अगर हम होली की बात की जाए तो इस बार किस रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश भगवामय हो रहा है, तो निश्चय ही इस वक्त जो हमारा भगवा रंग है वो सब पे छाया हुआ है। और अब तो 21 तारीख को हमारे योगी जी शपथ भी लेंगे, तो उसी रंग में पूरा प्रदेश और पूरा देश रंगा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर बताया, भगवा रंग इस बार ज़्यादा मायने रखता है, जगह जगह पे भगवा रंग से खास तौर पे होली खेली जा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं मौजूद, कोषाध्यक्ष जी, हम उनसे ही बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से आज होली का त्यौहार आप मना रहे हैं। आप सभी लोगों को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चौक की हमारी 110 साल पुरानी जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए चौक के सभी सराफे के और चिकन के व्यापारी आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से और इस बार केसरिया रंग से हम लोग होली मना रहे हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं केसरिया और भगवा रंग का प्रयोग किया गया है। हम लोगों की ये पुरानी परंपरा है कि आज के दिन हम लोग बाजार बंद करने से पूर्व सारे व्यापारी लोग आपस में मिल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, इमरती खिलाते हैं, ठंडाई पिलाते हैं और होली के त्यौहार को हम लोग हंसी खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को होली की बधाइयां देते हैं। अगर वहीं लखनऊ में चौक की बात की जाए तो चौक एक ऐतिहासिक रहा गया हमेशा होली के पर्व का, कल के दिन जुलूस भी निकलता है, इसकी क्या तैयारी हो चुकी है और किस तरह से आपकी होली पे देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों की होलिका जुलूस के लिए पूरी तैयारियाँ हैं। सुबह जैसा कि 9:30 बजे हमारा जुलूस कोनेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगा और चौक चौराहे के ऊपर हमारे लखनऊ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारे नीरज बोरा जी हैं, हमारे आशुतोष टंडन गोपाल जी हैं, आप सब लोग होली के इस जुलूस में शिरकत करेंगे। और होली के इस जुलूस की सबसे खासियत ये है कि जब हमारा जुलूस कमला नेहरू मार्ग से आगे बढ़ता है तो उस रोड के ऊपर, विक्टोरिया स्ट्रीट के रोड के ऊपर जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उस्मान भाई हैं, उमर भाई हैं, ये सब लोग हम लोगों का रंग गुलाल और जी अबीर लगा करके स्वागत करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, माला पहनाते हैं। और जिस तरीके से हम हिंदू संप्रदाय को मानने वाले लोग होली के त्यौहार को मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के मुस्लिम परिवार के लोग भी हमारे साथ होली के त्यौहार को मनाते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक है। बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि चौक की होली का जो जुलूस है वो गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाया जाता है, क्योंकि जब ये जुलूस कमला नेहरू मार्ग पर होता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुलूस का भव्य स्वागत करते हैं और साथ ही साथ रंग लगा के एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई भी देते हैं। हमारे और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे किस तरह का उत्साह है इस बार होली को लेकर के। बहुत अच्छा उत्साह है, कोरोना काल के कारण से होली नहीं ज़्यादा मनाई जा रही थी और इस बार बहुत धूम के होली मनाई जा रही है, क्योंकि सरकारी भी बन गई है भाजपा की और उसके अलावा भगवा रंग में रंगी है पूरी होली, और योगी जी शपथ भी लेंगे और हम लोग पूरी होली बड़े मनोयोग से मना रहे हैं। दूसरी बात, ये व्यापारी इसमें सहयोग भी कर रहा है, आज सरकार बनाने में व्यापारी का सहयोग रहा तभी ये सरकार बनी है और सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। बिल्कुल साफ तौर पर होता है, व्यापारियों की अहम भूमिका रहती है हर बार विधानसभा चुनाव या चाहे नगर चुनाव, इस बार भी व्यापारियों ने अहम भूमिका निभाई है और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी जी को शपथ दिलाएंगे। और आज इधर पूर्णतः होली भगवा रंग पर खेली जा रही। लखनऊ से कैमरा पर्सन यथार्थ के साथ हिमांशु का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लखनऊ। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, we
Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल ने कहा कि हम बीजेपी की बेईमानी से चुनाव हार गए। वही सपा संगठन पर भी सवाल खड़े करते हुए शिवपाल ने कहा कि सपा का संगठन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया। अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती और समय से टिकट बांट दिए गए होते तो बीजेपी 100 पार और हम 300 पार होते। वही नेता प्रतिपक्ष बनने पर कहा कि जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। प्रदेश में हुई सपा गठबंधन की हार जनता का जनादेश है जिसका हम स्वागत करते हैं। हम लोग अभी हार की समीक्षा नहीं कर पाए पर जो भी हार के कारण समझ में आ रहे हैं उसे लगता है कि हम बीजेपी की बेईमानी और चालाकियों से हार गए हैं। सहारनपुर में शहर की विभिन्न होलिकाओं पर नगर निगम द्वारा रंगोलियां बनाई गई हैं। होली पर प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली के पवित्र महापर्व पर जहां नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाकर चूना और मैथनियान का छिड़काव किया तो वहीं खुशी और उल्लास के इस पावन पर्व में नगर निगम ने भी रंगों के साथ अपनी खास भागीदारी कर इंद्रधनुषी रंगों से रंगोलियां सजाई और चूने से नगर निगम भी लिखा है। बता दें कि निगम के कर्मचारी सुबह 5 बजे से ही सफाई व्यवस्था में जुट गए थे। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन के अलावा नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सुबह से ही पूरे महानगर में भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यदि शहर के लोग साफ सफाई की व्यवस्था में सहयोग करें और सड़कों और नदी नालों में कूड़ा न डालें सहारनपुर का हर दिन उत्सव बन सकता है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचखुला गांव में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है जहां कानपुर बर्रा के दो युवकों के साथ बीती रात
गांव के बाहर एक कुएं में मिले। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। दोनों युवक क्षेत्र के कॉलोनी सहित अन्य काम करवाए जाने के नाम पर दलाली कर लाखों रुपए ग्रामीणों के खा चुके थे। दलाली युवकों द्वारा रुपए लेकर भाग जाने पर युवकों के नजदीकी संतराम से ग्रामीणों ने वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवकों द्वारा ग्रामीणों को रुपए न लौटाए जाने से परेशान होकर इन तीनों ने दलाल युवकों ने कानपुर से बुलवा कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव पचकुरा गाँव के बाहर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों युवकों संतराम संकरी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कानपुर के बर्रा से दिनांक 12 तारीख से गायब मयंक शर्मा और उसके भांजे विपुल शर्मा की कल सुमेरपुर थाना अंतर्गत एक कुएं से डेड बॉडी मिली। इस संबंध में मृतक की बहन के तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा कायम किया गया था। आरोपीगण को हिरासत में लेकर सख्ती से जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी पैसों का लेन देन लगभग 20 लाख रुपया आरोपी और उसके रिश्तेदारों द्वारा संकलित करके मृतक को दिया गया था। आवास दिलाने के नाम पे, नौकरी दिलाने के नाम पे, जमीन के नाम पे, और वह न तो काम कराया न ही पैसा वापस कर रहा था। इस उसमें खुंदक में मृतक और उसके भांजे को कानपुर से जब आए तो उनका गला घोट के मार दिया गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और होली का पर्व भी आ गया है। इस बार की होली पॉलिटिकल होली से नजर आ रही है। गाजियाबाद में ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो भीड़ है बच्चे होली की पिचकारी खरीद रहे हैं, जिस पर मोदी और योगी की तस्वीर लगी पिचकारी वो ज्यादा खरीद रहे हैं। दरअसल मार्केट में इस बार होली की जो पिचकारी है वो योगी और मोदी के नाम की पिचकारी लगी है, उसे खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि पहले से ज्यादा मांग इस बार देखी जा रही है कि होली की जो पिचकारी है वो मोदी और योगी के नाम से ज्यादा बिक रही है। क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वही चल रहे हैं योगी मोदी, हम उन्हीं के लेना है। यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं थी क्या या नहीं ले रहे हैं क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है। क्यों? आदमी बेकार है, आदमी सही नहीं है। अच्छा, कितने लोकप्रिय हो रहे हैं? पॉलिटिकल रंग जो है होली पर चढ़ गया ये कहेंगे जब योगी मोदी की पिचकारी आ गई है। हाँ तो देखो, योगी मोदी की पिचकारी आ गई है उसे पता लग रहा है और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं झांसी में लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला रहा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है। IMD के मुताबिक इन दिनों उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कश्मीर पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई जा सकती है तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर लखीमपुर फाइल्स भी बनाए जाने की जरूरत है। सपा अध्यक्ष ने बुधवार को सीतापुर जिले में मीडिया से बातचीत में कहा, आप पड़ोसी जिले से हैं, अगर कश्मीर फाइल्स फिल्म बनती है तो कम से कम लखीमपुर फाइल फिल्म बननी चाहिए, जहाँ किसानों को जीप के पहियों के नीचे कुचल दिया गया था। समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है, या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज जो वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाई, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए, तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों को नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर से चतुर्वेदी समाज का डोला निकाला गया, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ डोला निकाला गया। तो वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर डोला में हिस्सा लिया। साथ ही डोला में अबीर और गुलाल जमकर उड़ाया गया। अबीर और गुलाल उड़ाने के बाद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।